तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल लाइसेंस पर। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी के बारे में। देखिए, ज्योग्राफी में कुछ बेसिक टर्म्स हैं वो बताना चाहूंगा मैं आपको। सबसे पहले आता है यूज होता है प्लेनेट। प्लेनेट हर जगह यूज होता है, आपको मालूम है, पूरी ज्योग्राफी में यूज होगा। प्लेनेट, स्टार, सेलेस्टियल बॉडी, कॉन्स्टेलेशन, सोलर सिस्टम, एस्टेरॉइड, मेटेरॉइड्स। ठीक है, तो प्लेनेट का मतलब होता है, ग्रीक वर्ड से आया था प्लेनेट है, उसका मीनिंग होता है वॉन्डरर्स का। एक बार ये पूछ लिया जाता है इसलिए मैं इस वर्ड को जोड़ा है, बट ऐसा कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, बट फिर भी आप याद रखें। सेलेस्टियल बॉडीज कौन सी होती है? सेलेस्टियल बॉडीज वो बॉडीज होती है जिनकी खुद की हीट होती है और खुद की लाइट होती है। अब आपको मालूम होगा कि खुद की हीट और खुद की लाइट, मतलब आपको मालूम, सन सन क्या है? एक सेलेस्टियल बॉडी, क्योंकि उसे खुद की हीट और खुद की लाइट है। और सेकंड कंडीशन क्या है? वो लार्ज अमाउंट में हीट को एमिट करता है। आपको मालूम होगा कि 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है। क्या डिस्टेंस है? 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। ठीक है, कितना? सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना है? सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। अब जाहिर सी बात है, इतना करोड़ किलोमीटर दूर होने के बावजूद ऑलमोस्ट 15 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन फिर भी सूरज की जो रोशनी है, किरणें है, वो हमें यहाँ तक भी महसूस होती है, राइट? तो लार्ज अमाउंट में हीट एमिट करता है कौन? सूरज। तो सूरज क्या हो गया? एक सेलेस्टियल बॉडी हो गया। और ध्यान देना, जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज होती है वो सभी स्टार कहलाती है। क्या कहलाती है? स्टार्स। ठीक है, स्टार्स बोले तो जी खुद की हीट और लाइट होना। ठीक है, उस बाद कॉन्स्टेलेशन की बात करें। कॉन्स्टेलेशन होता है वेरियस पैटर्न्स ऑफ फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ स्टार। देखो क्या होता है, जब अलग अलग स्टार्स मिलकर क्या करते हैं, एक पैटर्न फॉर्म करते हैं, तो उन पैटर्न को क्या कहा जाता है? कॉन्स्टेलेशन। जैसे हम क्या कहते हैं, सप्तऋषि होते हैं, आपने पढ़ा होगा सप्तऋषि, जो 7 स्टार्स है। ठीक है, 7 स्टार का कॉम्बिनेशन आपको सुबह सुबह दिखता है। कभी आप सुबह 4 बजे 5 बजे उठते हैं तो हमेशा ध्यान देना है, आपको सप्तऋषि दिखेगा। अर्सा मेजर, बिग बियर भी कहते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के बहुत सारे होते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ कि आप जब सुबह उठते हैं ना, तो आपको अलग अलग स्टार्स दिखेंगे, 4 5 हमेशा दिखेंगे, हमेशा, मतलब ये लाइफ टाइम चले आ रहे हैं। मतलब स्टार्स, आपको मालूम है स्टार्स की जो मतलब उत्पत्ति हुई है, ये मतलब कहते हैं कि गैलेक्सी, जब गैलेक्सी का निर्माण हुआ था, ये यूनिवर्स का निर्माण हुआ था, तभी से है ये। और बहुत कम होता है कि खत्म होते हैं, और खत्म होते हैं तो शायद हमारी लाइफ तो बीत जाए, ये खत्म नहीं होंगे। ठीक है, तो सप्तऋषि फॉर्म ऑफ 7 स्टार कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। उसके बाद पोल स्टार, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, यूपीएससी में भी एक बार सवाल पूछ लिया था कि जनाब आपके पास एक पोल स्टार दिख रहा है, अब आपको अपने घर जाना है, तो बताइए कि आप कैसे जाएंगे, आपका घर वेस्ट में। और बता दिया कि पोल स्टार दिख रहा है आपको सामने, आपके सामने पोल स्टार, तो आप कौन सा टर्न लेंगे, लेफ्ट राइट, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, क्या करेंगे? तो जाहिर सी बात है, जब सामने आपके नॉर्थ पोल दिख रहा है, नॉर्थ पोल नॉर्थ स्टार है, जाहिर सी बात है नॉर्थ पोल मतलब नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, नॉर्थ पोल जब भी ये पोल स्टार हो तो क्या करता है, पोल स्टार क्या करता है, आपको नॉर्थ डायरेक्शन शो करता है। क्या करता है? नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट करता है। अब जो नॉर्थ साइड आपके सामने है, आप यहाँ ऐसे देख रहे हैं, जाहिर सी बात है आपका घर वेस्ट में है, तो आपको वेस्ट में ईस्ट वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ और साउथ, ठीक है, तो जाहिर सी बात आपको मालूम पड़ गया। तो पोल स्टार क्या करता है, आपके नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। हमेशा ध्यान देना, पोल स्टार के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। और ये सुबह 4 बजे 4 से 4:30 बजे के बीच में देखना, अलग ही तारा चमकेगा, बहुत अलग ही चमकता है, दूर से दिख जाएगा आपको, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन में देखना, आपको अलग ही चमकता दिख जाएगा, और वो पोल स्टार ही होगा और कोई सा नहीं। उसके बाद सोलर, सोलर सिस्टम बोलते हैं हम। ठीक है, सोलर सिस्टम, तो सोलर जो मतलब कि जो रिलेटेड हो सन से, ठीक है, मतलब पूरा जो सिस्टम जो सन से रिलेटेड टू सिस्टम, पूरा सिस्टम जो रिलेटेड टू सन से, उसे कहते हैं सोलर। और सोल का मतलब होता है सन गॉड, ये रोमन माइथोलॉजी में कहते हैं सोल मीन्स सन गॉड। ठीक है, उसके बाद एस्ट्रॉयड, अब देखना एस्ट्रॉयड और मेट्रॉयड पर सवाल आते हैं हमेशा कि एस्ट्रॉयड और मेट्रॉयड में डिफरेंस क्या है। तो ध्यान देना कि जो टाइनी बॉडीज है जो सन के अराउंड में मूव कर रहे हैं, बिल्कुल बारीक बारीक बॉडीज है, ठीक है, लेकिन ये बॉडीज कहाँ पाई जाती है? मार्स और जुपिटर के बीच में। कहाँ? मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट बना हुआ है, ठीक है, वहां पर ये एस्ट्रॉयड पाए जाते हैं। और साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि जो बेल्ट्स है, ठीक है, ये बेल्ट्स है जो पुराने जो प्लैनेट्स थे उनके टुकड़ों से मिलकर बने, मतलब कुछ पार्ट्स था वो टूट गया और वो वापस राउंड इवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो ये एक तरह से पूरे मेट्रोइड्स भी क्या करते हैं, इवॉल्व करते हैं, रिवॉल्व करते हैं किसके अराउंड? सन के अराउंड। ठीक है, तो ध्यान देना एस्ट्रॉयड वो टाइनी बॉडी है जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, और ये मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। मार्स से पहले जितने भी हैं वो सब सॉलिड बॉडीज होती हैं, ठीक है, सॉलिड प्लेनेट होते हैं, उसके बाद सब गैसेस होते हैं, वो बताऊंगा आपको प्लेनेट्स के रूप में। उसके बाद मेट्रोइड्स आता है। मेट्रोइड स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स मूव अराउंड सन। ये भी स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स है, लेकिन इनका कोई एक रिवॉल्यूशन का एक फिक्स पाथ नहीं होता। ठीक है, ध्यान देना मेट्रोइड्स का एक फिक्स पाथ नहीं होता है, कभी भी मतलब किसी डायरेक्शन, मान लो सोलर सिस्टम कुछ ऐसा है, सन यहाँ पे कहीं है, तो ये जरूरी नहीं कि ये ऐसे ही पाथ ट्रेवल करें, ये कुछ भी ट्रेवल कर सकते हैं, ऐसा भी ट्रेवल कर सकते हैं, ऐसा भी ट्रेवल कर सकते हैं, मतलब कुछ भी पार्ट ट्रेवल कर सकते हैं ये मेट्रोइड्स आगे। ठीक है, इनका कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं है, राइट। उसके बाद गैलेक्सी, गैलेक्सी आपको मालूम है हूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार, क्लाउड, डस्ट एंड गैसेस। जाहिर सी बात है, अब गैलेक्सी मतलब सभी को जोड़ लिया उसने, सन हो गया, मून हो गया, सिस्टम हो गया, स्टार्स हो गया, गैसेस हो गई, जितने भी सिस्टम है, मान लो आपकी आपकी गैलेक्सी, आपको मालूम होगा अपनी गैलेक्सी मिल्की वे कहते हैं हमारी गैलेक्सी को, ये सन है, ठीक है, ये तो सोलर सिस्टम हो गया, उसके बाद भी इतनी बड़ी है कि हम कहीं पूरी गैलेक्सी में अगर देखा जाए तो हमारी मिल्की वे में
मिल्के वे हमारा सोलर सिस्टम यहाँ कहीं पे इतना सा छोटा सा, हमें अभी तक आज तक हमारी गैलेक्सी के छोर ही मालूम नहीं पड़ा कि हम कहीं जा सकें, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है कि हम इतनी बड़ी गैलेक्सी को पार कर सके, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी हमारी गैलेक्सी, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्स, यूनिवर्स कहता है ग्रुप ऑफ गैलेक्सी, गैलेक्सी का समूह, ठीक है, एक गैलेक्सी, दो गैलेक्सी, हजारों गैलेक्सी समूह का समूह कहते हैं यूनिवर्स, हो ऐसा सकता क्या। है। तो कमेंट करके जरूर बताना है आपको ये वीडियो कैसा लगा, और पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो बेसिक जानकारियों के लिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।